दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, दोस्त या परिवार में किसी का जन्मदिन हो या रिश्तेदारी में कोई समारोह या फिर किसी की शादी हो, ऐसे में उन्हें उपहार देना तो बनता है। ऐसे में सब लोग अलग अलग तरह का गिफ्ट देते हैं। उपहार के तौर पर कोई घर का सामान देता है तो कोई पर्सनल गिफ्ट्स। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी को भी दिया हुआ उपहार उसे जिंदगी भर याद रहता है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपहारों के बारे में, यदि वो आपको मिल जाए तो वह बेहद शुभ माना जाता है। वहीं अगर यह चीजें आपको उपहार के रूप में मिले तो यह आपके बुरे समय यानी दुर्भाग्य को समाप्त कर देते हैं और साथ ही इससे आपके जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। पहला उपहार है हाथी का जोड़ा। यदि आपको किसी शुभ मौके पर हाथी या हाथी का जोड़ा उपहार के रूप में मिल जाए तो यह सबसे अच्छा उपहार माना जाता है। आपको बता दें कि हाथी का जोड़ा गिफ्ट के रूप में देना और उपहार के रूप में प्राप्त करना सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। चांदी, सोने, पीतल या लकड़ी से बने हाथी के जोड़े को भी शुभ माना गया है। दूसरा, मिट्टी से बनी चीजें। यदि आपको उपहार में मिट्टी से बना कोई शो पीस मिल जाए तो समझ लीजिए कि आपको आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। वहीं अगर इस तरह का कोई भी उपहार मिलता है तो इससे आपका रुका हुआ धन धीरे धीरे प्राप्त होने लगता है और आपके आय में भी वृद्धि होती है। तीसरा, दो गणेश जी वाली तस्वीर। अगर आपको उपहार के रूप में कोई ऐसी मूर्ति या तस्वीर मिल जाए जिसमें दो गणेश जी बने हों तो यह उपहार आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायक साबित होता है। लेकिन आपको इस बात का खास ध्यान देना होगा कि उपहार के रूप में मिले इस तस्वीर में दोनों तरफ गणेश जी का मुख ही दिखाई देना चाहिए, पीठ नहीं दिखना चाहिए। चौथा, सात घोड़े की तस्वीर। यदि आपको उपहार के रूप में सात घोड़े की तस्वीर मिल जाए तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी तस्वीर या शो पीस को फेंग शुई में शुभ माना गया है। ऐसे में यदि यह तस्वीर आपको उपहार के रूप में मिल जाए तो इससे आय के साधनों में वृद्धि होती है। पांचवा, चांदी की कोई चीज। हिंदू धर्म के शास्त्रों के मुताबिक चांदी से बनी किसी भी चीज का गिफ्ट के रूप में मिलना मंगलमयी माना जाता है। वैसे तो चांदी की कोई भी चीज उपहार में दी या ली जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि चांदी का सिक्का या उससे बनी कोई वस्तु उपहार के रूप में मिल जाए तो इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो ये तो फ्रेंड्स, अगर गिफ्ट में मिल जाए यह छह चीजें तो समझिए खुल गई आपकी किस्मत। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।